गुरुकुल यौन शोषण मामले में पुलिस ने वार्डन व 5 नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया है। 5 नाबालिग आरोपियों को रात के समय ही किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश किया गया। इसके बाद उन्हें बाल सुधार गृह हिसार भेज दिया गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए SP जशनदीप सिंह रंधावा ने बताया कि गुरुकुल के मुख्य वार्डन के अलावा 5 नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि शिकायत के बाद पीड़ित बच्चों का मेडिकल करवाया गया था। मेडिकल रिपोर्ट में यौन शोषण से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके बाद पीड़ित बच्चों को परिजनों के हवाले कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में गुरुकुल के और बच्चों के बयान भी रिकॉर्ड किए जाएंगे। बता दें, गुरुकुल भयापुर लाढ़ोत में रविवार को यौन शोषण का मामला सामने आया था। गुरुकुल के 5वीं से 7वीं कक्षा के छात्रों ने सीनियर छात्रों पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। ये मामला तब सामने आया जब रक्षाबंधन के दिन परिजन बच्चों से मिलने गुरुकुल पहुंचे। इस बात का पता चलते ही एक पीड़ित बच्चे की मां की शिकायत के आधार पर आरोपी छात्रों व गुरुकुल प्रबंधन के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। हमारे पास एक कंप्लेंट प्राप्त हुई थी कि गुरुकुल स्कूल के अंदर कुछ स्टूडेंट्स, सीनियर स्टूडेंट्स द्वारा जूनियर स्टूडेंट्स के ऊपर शारीरिक शोषण किया गया, जिसका संज्ञान लेते हुए जिला पुलिस द्वारा FIR नंबर 460 पुलिस स्टेशन सदर रोहतक में दर्ज की गई। इसमें हमने मुकदमा सेक्शन 4 पॉक्सो 377 IPC, 323 IPC, 202 IPC और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सेक्शन 75 के अंदर हमने रजिस्टर किया। इसमें जो कंप्लेनेंट थे और जो जिनके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं, दोनों जुवेनाइल हैं। और इसमें हमने जो कंप्लेनेंट थे उनका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया और उसके बाद उनकी CWC के द्वारा काउंसलिंग करवाई गई है। इसी सबूतों के आधार के ऊपर हमने स्कूल के एक जो हेड वार्डन है मिस्टर सचिन, जो कि बोंद कलां भिवानी के रहने वाले हैं, उनको हमने अरेस्ट किया। इसके अलावा 5 जुवेनाइल्स इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, उनको हमने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के आगे पेश किया। जो नाबालिग इसके अंदर जिन्होंने शोषण का आरोप लगाया था, उनकी हमने काउंसलिंग करवा के उनके पेरेंट्स के हवाले किया। जिनके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं उनको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड द्वारा जो ऑब्जर्वेशन होम होता है वहां पे भेजा गया। इसके अंदर अभी हम अभी कंटिन्यूसली तफ्तीश जारी है। अभी जितने और स्टूडेंट्स हैं हम उनके भी बयान रिकॉर्ड कर रहे हैं और CWC की मदद के थ्रू उनकी काउंसलिंग करवा रहे हैं। साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के थ्रू भी हम उनकी प्रॉपरली काउंसलिंग करवा रहे हैं और जैसे जैसे और किसी के ऊपर एलिगेशंस लगेंगे या और किसी जुवेनाइल का या और किसी स्कूल के किसी मैनेजमेंट के किसी बंदे का अगर रोल आएगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।